हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मूल कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज वन, जिसमें सेक्शन वन आपको डिस्कस किया गया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर सिक्स बता रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन परऑक्साइड एंजाइम इज 0.5%। ओके, द बाई वेट एंड द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ द परऑक्साइड एनहाइड्रेस एंजाइम। देखो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मिनिमम वेट आपसे पूछा जाए, उसका ट्रिक ये होता है कि कम से कम मिनिमम वेट के लिए एलिमेंट कितना होना चाहिए, कम से कम वन एटम होना चाहिए। तो वन एटम के एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको पता है, उसके थ्रू आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो अगर हम कहते हैं कि सेलेनियम 0.5% है, इसका मतलब 0.5 में अगर सेलेनियम 0.5 ग्राम है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो 100 ग्राम होंगे। 0.5 का मतलब वही हुआ कि आउट ऑफ 100 0.5 ग्राम क्या है, सेलेनियम है। अगर सेलेनियम 1 है तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, 200। क्वेश्चन में कितना गिवन है, 78.4 है। अगर मॉलिक्यूलर वेट 78.4 है मॉलिक्यूल का, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो 200 × 78.4। सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 1.5680 × 10^4। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका है ऑप्शन नंबर 1। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ द ग्लूकोज। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। और ग्लूकोज का देखो, पहले ग्लूकोज के एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, आ जाएगा CH2O। CH2O है वो, देखो तो CH2O किस में है, इसमें आपको नहीं दिख रहा है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 1 आपको एसिडिक एसिड में दिखेगा। ओके, चेक करो एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, तो C2H4 और क्या है, C2H4O2। देखो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH2 आ गया, तो राइट आंसर इज CH2। तो CH2 यहाँ भी है और ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला।